हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है? वी ऑल नीड फूड टू सब्सटेंस अवर लाइफ। वी ईट रोटी, राइस, ब्रेड, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर एंड ऑयल्स। Some of us also eat egg, meat, fish and chicken. These are some of the examples of food we eat. In fact, anything which we eat to live is called food. We can also say food is a substance eaten by us to we work, grow, maintain our body and remain healthy. Food act like a fuel for our body, just as petrol is fuel for a car. In the same way, food is fuel for our body. अब खाना कहाँ से आता है? हम सभी जानते हैं कि अपना जीवन बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम रोटी, चावल, ब्रेड, दाल, दही और वनस्पति का तेल खाने में यूज करते हैं, और कुछ लोग अंडा, मीट, मछली एवं चिकन खाते हैं। वास्तव में हमें जीने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। काम करना, शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। जिस तरह पेट्रोल एक कार के लिए इम्पॉर्टेंट है, ईंधन है, उसी तरह मानव शरीर के लिए भी भोजन ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का महत्व। Food contains substance called nutrition which are required for the flowing purpose. हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियाँ करने के लिए ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। To provide energy required for doing various activity in our your life. अब to provide energy required for doing various activities in our daily life. हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियाँ करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टू रिपेयर डैमेज और इंजुरीड बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गेट हार्ट, ब्लड इज लॉस्ट और स्किन एंड टिश्यू गेट डैमेज, रिपेयर ऑफ सच डैमेज पार्ट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जब कभी हमें घायल या चोट लग जाने पर त्वचा की मरम्मत करने का कार्य करती है, जो नई कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। टू गिव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन, हमें बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। टू हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्पेशली इन चिल्ड्रन, शरीर का विकास करना में मदद करना, विशेष रूप से बच्चों में। टू हेल्प इन सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जीवन की स्थिरता और रख रखाव में मदद करता है। फूड वेराइटी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इन साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, इडली, डोसा, राइस, सांबर एंड कोकोनट चटनी एंड वेरी पॉपुलर एंड कॉफ़ी इज द प्रिपेयर्ड बेवरेज। इन नॉर्थन एंड वेस्टर्न स्टेट लाइक दिल्ली, गुजरात एंड पंजाब, फूड्स आइटम सच हैज रोटी, दाल एंड दही आर वेरी पॉपुलर एंड टी इज द प्रिपेयर्ड बेवरेज। हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका एंड केरला में लोग इडली, डोसा, चावल, सांबर, चटनी बहुत लोकप्रिय है और पसंदीदा पे कॉफ़ी है। नॉर्थन एंड वेस्टर्न स्टेट में दिल्ली, गुजरात, पंजाब में लोगों को रोटी, दाल और दही बहुत पसंद है, और पसंदीदा खाद्य पदार्थ में चाय पीना इनका पसंदीदा पेय है। इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन फूड आइटम्स,
The materials which are required to prepare any food item are called its ingredients or components. Food items like sambar dal and vegetable soup consist of two or more ingredients as shown in the table below. अब किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उसको उसका घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। अब ये फूड आइटम्स हैं और कंपोनेंट्स हैं। दाल बनाने में क्या क्या यूज होते हैं? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइस। सांभर में पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल, सॉल्ट, ऑनियन, गार्लिक, स्पाइसेस। वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल, सॉल्ट, ऑयल, गार्लिक, जिंजर। फ्रूट सलाद में मिल्क, कस्टर्ड पाउडर, फ्रूट शुगर। इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। राइस में रो राइस, वाटर। खीर में मिल्क, शुगर। इट इज एविडेंट दैट ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। द वेरियस सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स इन नेचुरल आर मोस्टली ऑफ प्लांट और एनिमल ऑरिजिन। यह स्पष्ट है कि विभिन्न घटकों के अवयवों का उपयोग करके विभिन्न खाद्य पदार्थों का तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक में खाद्य सामग्री के विभिन्न स्रोत ज़्यादातर पौधे या जानवर होते हैं। सोर्सेस ऑफ फूड। भोजन का स्रोत। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट, राइस, पल्सेस एंड स्पाइसेस आर ऑफ प्लांट ऑरिजिन। व्हील, मिल्क, एग एंड फिश आर ऑफ एनिमल ऑरिजिन। अब पौधे और जानवर मुख्य सोर्स हैं भोजन के, पौधे की उत्पत्ति के, जैसे गेहूं, चावल, दाल और मसाले जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब हमें जानवरों से क्या प्राप्त होता है? तो जानवरों से हमें दूध, अंडा और मछलियां प्राप्त होती हैं। फैक्ट स्ट्रिप। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्पड इंडिया इज डेवलप्ड फ्रॉम ए मिल्क डिपेंडेंट कंट्री इनटू द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ही वाज द फाउंडर ऑफ अमूल ब्रांड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके योगदान में भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक में विकसित करने में मदद मिली। डेयरी उत्पादकों का अमूल ब्रांड के वह संस्थापक हैं। प्लांट्स एज सोर्सेस ऑफ फूड। भोजन के स्रोत के रूप में पौधा। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड आर हैंस नाउ एस ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर। द प्रोसेस थॉट विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज नाउ एज फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट स्टोर सम अमाउंट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाई डेम थॉट। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। This stored food is in the form of starch. Green plants therefore constitute the major source of our foods. Vegetables, nuts, fruits and pulses that we eat are all obtained from different plant parts. अब भोजन के स्रोत के रूप में पौधा। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड पानी की सहायता से बनाते हैं। क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। पौधे शरीर का के विभिन्न हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को तैयार करना भोजन के कुछ मात्राओं को संग्रहित कर भोजन की प्रक्रिया स्टार्च के रूप में करते हैं। हरे पौधे हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत का निर्माण करते हैं। सब्जियों, नट्स, फल और दाल जो हम खाते हैं वह सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं।
एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स, पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ, रूट्स, फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से प्राप्त खाद्य, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स आर द डिफरेंट प्लांट पार्ट फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेंड. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, एडिबल पार्ट इन ए मैंगो इज द फ्रूट व्हील, द लीफ इज द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज. अब जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज और फल विभिन्न पौधों के अंग होते हैं जिनसे भोजन प्राप्त किया जाता है. पौधे के जो भाग खाए जाते हैं उन्हें खाद्य भाग कहा जाता है. उदाहरण के लिए, एक आम में खाद्य हिस्सा जो होता है फल होता है, जबकि पत्ता गोभी का खाद्य हिस्सा पत्ता होता है. एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स, रूट्स. रूट्स ऑफ कंटेंट प्लांट लाइक कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर ईटन एज फूड. बीट रूट इज ए रिच सोर्स ऑफ शुगर. रूट्स में जड़, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और चुकंदर जैसे कुछ पौधों के रस को भोजन के रूप में खाया जाता है. चुकंदर चीनी या शक्कर का मुख्य स्रोत है. स्टेम, तना. इन कंटेंट प्लांट द स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड द एंड स्टोर्स द फूड. फॉर एग्जाम्पल, जिंजर, ओनियन, पोटैटो एंड गार्लिक. द स्टेम ऑफ द शुगर कैन प्लांट ग्रो एबव द सॉइल एंड इज यूज टू मेक शुगर. कुछ पौधे जमीन के अंदर होते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं, जैसे अदरक, प्याज, आलू और लहसुन. ये जमीन के अंदर होते हैं जिसको हम लोग खाद खाने का यूज करते हैं. गन्ने के पौधे का तना मिट्टी के ऊपर बढ़ता है और इसका उपयोग शक्कर मतलब चीनी बनाने में किया जाता है. लीव्स, पत्तियाँ. लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. द कॉमन लीव्स विच फ्रॉम ए मेजर पार्ट ऑफ योर मील्स आर स्पिनेज, कैबेज, लेटस एंड कॉर्नेटर. पत्तियाँ को पौधे के खाद्य कारखाना कहा जाता है. जो पत्तियाँ होती हैं उसे पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है. आम पत्तियाँ जो हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होती हैं वह हैं पालक, गोभी, सलाद और धनिया. फ्लावर्स, फूल. फ्लावर्स आर कंटेंट प्लांट्स आर आल्सो ईटन एज वेजिटेबल्स. एग्जाम्पल्स, कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, बनाना फ्लावर एक्सेट्रा. क्लोव, ए कॉमन स्पाइस, इज ए डायड फ्लावर बर्ड. फूल, पौधे के फूल सब्जियों के रूप में खाया जाता है, जैसा कि फूल गोभी, ब्रोकली, केला का फूल आदि. लौंग एक आम मसाला है जो सूखे फूल की कली होती है कि जैसे होता है. फ्रूट्स, फल. फ्रूट्स हैव हाई वाटर कॉन्टेंट एंड आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर. स्ट्रिक्ट सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. और फलों में पानी की मात्रा के साथ खनिज, विटामिन और चीनी से भरपूर होती है. संतरा और नींबू जैसे खट्टे फल विटामिन सी के एक समृद्ध स्रोत है. सीड्स, बीज. द कॉमनली यूज सीड्स विच आर कंसिडर्ड एज फूड सोर्सेस आर सीरियल, नट्स एंड पल्सेस. सम सीड्स आर आल्सो सोर्सेस ऑफ स्पाइसेस, ऑयल एंड बेवरेज. अब बीज आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीज जिन्हें भोजन का स्रोत माना जाता है वह है अनाज, नट और दाल. जो कुछ बीज भी शॉप में होते हैं जो भोजन का स्रोत होते हैं, जैसे मसाले, तेल और पेय पदार्थ. फूड्स फ्रॉम सीड्स, पदार्थों के से बीज. पल्सेस, देयर आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. द कॉमन पल्सेस आर बीन्स,
चिकपीस, ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा पल्सेस आर सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्सेस दाल वह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जो कॉमन दालें जैसे बीन्स, छोला चना, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। दालें खरीदार पौधे के बीज होती हैं। अब फैक्ट स्ट्रिप, लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन रूट नूडल्स हैविंग रेड और पिंक पिगमेंट। लेग्यूमिनस पौधे में लाल या गुलाबी रंग की जड़ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। सीरियल्स आर एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेंड फ्रॉम कल्टीवेटेड ग्रासेस। सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। देयर थ्री मेजर सीरियल्स माइज, वीट एंड राइस फ्रॉम अवर स्टेपल डाइट। अब अनाज, सर्किल खाद अनाज से प्राप्त होते हैं। अनाज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज में समृद्ध होती है पाई जाती हैं। तीन प्रमुख अनाज जैसे मक्का, गेहूं और चावल हमारे मुख्य आहार है होते हैं। थर्ड स्टेप है नट्स। देर आर कंसिडर्ड एज हाई सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड इंक्लूड कैश्यू नट्स, आलमंड्स, पीनट्स एक्सेट्रा। इन्हें ऊर्जा का एक उच्च स्रोत के रूप में माना जाता है जिसमें काजू, बादाम, मूंगफली आदि शामिल होते हैं। ऑयल सीड्स, मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन्स, सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट्स। ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम द ऑयल सीड्स इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। अब ऑयल सीड्स, तेल के बीज, प्रमुख तेल बीज उत्पादक पौधे जैसे सरसों, नारियल, सूरजमुखी और मूंगफली है। बीजों से प्राप्त तेल खाना पकाने के लिए किया जाता है। बेवरेज, पेय पदार्थ, टी एंड कॉफी आर द टू इम्पॉर्टेंट बेवरेज ऑफ इंडिया। यॉन्ग लीव्स एंड लीव बर्ड्स ऑफ टी प्लांट्स आर यूज टू प्रिपेयर टी। कॉफी सीड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम कॉफी बीन्स आर एंड आर यूज टू प्रिपेयर कॉफी। कॉफी एक्ट एज स्टिमुलेंट बिकॉज इट कंटेन कॉफीन। अब पेय पदार्थ, चाय और कॉफी भारत के दो मुख्य महत्वपूर्ण पेय हैं। चाय के पौधे की पत्तियों और कलियों का उपयोग चाय तैयार करने में किया जाता है। कॉफी के बीज कॉफी बीन्स से प्राप्त होता है। कॉफी को उत्तेजक के रूप में काम करती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। स्पाइसेस, मसाला, सम सीड्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस, एग्जांपल कार्डमम, कुमिन एक्सेट्रा। दे एडेड फ्लेवर टू द फूड, हेंस दे आर आल्सो नाउ एज कॉडिमेंट्स। अब स्पाइसेस, मसाला, कुछ बीज मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं जैसे जीरा, इलायची आदि। वे भोजन में स्वाद जोड़ते हैं, इन्हें मसाला के रूप में यूज किया जाता है। अब हम एनिमल्स एज सोर्सेस ऑफ फूड्स, फूड आइटम्स सच एज मिल्क, मीट, फिश, एग एंड हनी आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। लेट्स स्टडी दिस फूड आइटम ऑफ डिटेल। खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मीट, मछली, अंडा और शहद हमें जानवरों से प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क, कोट, चीज एंड बटर आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। देयर आर ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। काउ, बफेलो, गॉट्स एंड शिप आर द मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन अवर कंट्री। मिल्क इज प्रोड्यूस प्रोसेस्ड टू बी वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक कोट, बटर, पनीर, चीज एक्सेट्रा। अब हम दूध और उसके उत्पादक, दूध, दही, पनीर और मक्खन का को डेयरी उत्पाद कहा जाता है। वह कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हमारे देश में गाय, भैंस, बकरी और भेड़ प्रमुख दुग्ध उत्पादक पशु हैं। दुग्ध उत्पादक जैसे दही, मक्खन, पनीर भी खाने के लिए संसाधित हैं।
मीट एंड एग्स, मांस और अंडे. बर्ड्स लाइक हैन, डक एंड टर्की प्रोवाइड मीट एंड एग एंड आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स. पोल्ट्री प्रोडक्ट आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. मांस और अंडे, मुर्गी, बतख और टर्की जैसे पक्षी मांस और अंडे देते हैं और जिन्हें पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री एनिमल्स जानवर कहते हैं और इसे पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है. पोल्ट्री उत्पाद इसका प्रमुख स्रोत है जिसका जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. थैंक यू.